आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीज आपको डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास जो है CH3OH एंड C2H5OH का बताना है कि ये कितना होगा, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम मॉलिकुलर मास की बात करते हैं, सो मॉलिकुलर मास किसी भी कंपाउंड का मास होता है ऑफ इट्स एटॉमिक मास होता है उनके कंपोज एटम्स का, राइट। सो मॉलिकुलर मास होता है आपके पास सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन इट, राइट। राइट, सो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, आपके पास क्या है, देखो आपके पास क्या है, CH3OH है एंड आपके पास C2H5OH है। अगर मुझको इसका मास निकालना है, सो CH3OH का आपके पास मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, देखो आपके पास कार्बन का मास होता है 12, आपको पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1 और तीन एटम्स के लिए मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड प्लस आपका हाइड्रोजन का होता है 1, राइट। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, सो इट विल कम आउट टू बी 32 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। सो इतना मास आपको देखने को मिलेगा। एंड फिर अगर मैं बात करती हूँ आपका C2H5OH का, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 12, दो एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 2 से, फिर 1 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, फिर 16 ऑक्सीजन का, फिर अगेन हाइड्रोजन का 1, राइट। इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास आएगा 46 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। फिर जब आप डिफरेंस लोगे, सो डिफरेंस आपको जस्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट इज 46 माइनस 32, सो डिफरेंस आएगा 14 यूनिट्स का, राइट। सो आपको जस्ट डिफरेंस बताना था, तो इट विल कम आउट टू बी योर 14 यूनिट्स, सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।